यही बोला था बीएसओ ने मेरे को, यही बोला था रेक्सन ने मेरे को, जज्बात को कुचल डालो, जज्बात को फेंक दो, हथियार उठाओ, हीना का खून कर डालो। अरे क्या फर्क हुआ आप में और उस रेक्सन में? हम तो कैदी है ना, कैदी च रहेंगे, हमेशा कैदी रहेंगे। हमको रिहाई नहीं मिल सकती, हमको कभी रिहाई नहीं मिल सकती। इंसान जब अंधा हो जाता है खेरू, तो उसको रात और दिन के फर्क में तमीज नहीं रहती। लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब तुम्हारी आंखों पर से जहालत का पर्दा उठेगा और तुम उस फर्क को पहचान पाओगे। विश्व प्रताप सिंह दुश्मन की सरहद पर अकेला जाएगा, अकेला। नहीं चाहिए मुझे वो दिल फेंक आशिक, तमाशु का हाथ थामते ही अपने हथियार फेंक दे, नहीं चाहिए। जॉली, मुझे राणा के तीनों आदमी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। क्या सोचा? बगावत। और तू? वही जो तू सोचा। ये शाल लेको आया मैं आपके लिए। मुनियाता कह रही थी ठंड बढ़ती जा रही है और थोड़ा बुखार भी है आपको। मुनियाता इसे कहना कि कुछ नहीं हुआ मुझको, इतनी जल्दी नहीं मरता मैं। दादा ठाकुर घर न को चलते क्या? मुनियाता खाना परोस के रखी है आपके लिए। ये बेमायनी बातें करने से क्या फायदा खैर? कल रात को क्या है कि जज्बात में कुछ ज्यादा बक गया मैं। अगर हम सुनील अनिल होते तो क्या आप माफ न को करते हमको? दादा ठाकुर आप कर चलो, मैं ढूंढ के लाता हूं उन दोनों को। ए बैजू जानी। कोई फायदा नहीं साहब, पूरी रात शराब, एक बोतल, दो बोतल, तीन बोतल, अब तो ये 5 घंटे उठने वाले नहीं। मैंने सब देख लिया है जॉली, ये रिमोट कंट्रोल मुझे दे दो। जब देख ही लिया है तो ये भी समझ लो राणा साहब कि आप सबकी मौत कितनी नजदीक है। देख रहा हूं और समझ भी रहा हूं बेटे, दुश्मनों की चाल, जिन बच्चों को अपने हाथों से पाला उनके हाथों में बंदूक दे दी उन्होंने, हमारे ही सीनों पर गोली चलाने के लिए। मुझे तुम नहीं राणा, तुम्हारे तीनों कैदी चाहिए। कैदी नहीं, वो तीनों मेरे बेटे हैं। मैंने कसम खाई है उन तीनों को मारने की। और मैंने कसम खाई है उन तीनों को बचाने की। तुम भी मारे जाओगे राणा। अपने ही बच्चों को उग्रवादी बनते देखकर किस माँ बाप की इच्छा होगी जिंदा रहने की।
अरे उठो सब, उठो, दादा ठाकुर की जान खतरे में है, तुम लोग सुनो। मनोस ये हाथ, क्या हुआ? दादा ठाकुर, दादा ठाकुर, रुक्मिणी ठीक तो हो ना? कोई ख्वाब देखा है क्या? कुछ नहीं होगा राणा साहब को, राणा साहब के पास जाना चाहती हो? नहीं नहीं, जब तक तुम्हारे भैया कानपुर से नहीं आ जाते मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगी। He's sinking. Nurse, oxygen. Doctor Saab, I'm sorry. मैं कह नहीं सकता वो जिंदा रहेंगे या नहीं। जिंदा नहीं रहेंगे? कैसे नहीं जिंदा रहेंगे? आप कैसे डॉक्टर हैं कि कह नहीं सकते जिंदा रहेंगे कि नहीं? जी वो। किस काम का ये अस्पताल? उतार फेंको अपना ये सफेद कोट, चला दो ये सारा अस्पताल, अगर एक मरीज को नहीं बचा सकते तुम। मरीज को यहाँ बचाने के लिए लाया जाता है, ये उम्मीद छोड़ने के लिए। शांत रहो। जिंदा नहीं रहेंगे, देखता हूँ कैसे जिंदा नहीं रहेंगे। शांत रहो, भगवान से दुआ मांगो। उन्हें जिंदा रहना होगा। This time God is not great. Dada Thakur hosh, hum behosh. Very dangerous, sir. ठीक है डॉक्टर डैंग, मैं आपके पास खुद ही आता हूँ, क्योंकि यहाँ रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। सिर्फ डॉक्टर डैंग का पता चाहिए हमें। बताता हूँ। ओफो, आप लोग दादा ठाकुर से नहीं मिल सकते। देखो ये बड़ी दूर से आए हैं और दादा ठाकुर से मिलना बहुत जरूरी है। कहा ना मेहमानों से मिलने का समय खत्म हो गया है। ये मेहमान नहीं है, उनसे कहो गांव से उनकी बीवी और उनका बेटा मिलने आए हैं। आपको दादा ठाकुर से मिलना है? जी हाँ डॉक्टर साहब। आइए मैं मिलवा देता हूँ। थैंक यू। आप यहीं ठहरिए, जाओ जाओ मिल के आ जाना। हाँ
ये सब क्या हो रहा है? अंधेरा किस लिए है यहाँ डॉक्टर? जितना तुम मुझे देखकर हैरान हो रहे हो उतना ही मैं तुम्हें देखकर खुश हो रहा हूं राणा। क्यों, मजा आया ना? घबराओ मत, मैं तुम्हें यहां मारने नहीं आया हूं, मुझे तो जिंदा रखना है तुम्हें बहुत देर तक, तब तक जब तक तुम्हारा हर इरादा हर घमंड अपने आप दफन नहीं हो जाता, तब तक जब तक तुम्हारा तिरंगा झंडा जिस पर गर्व है तुम्हें अपने आप थोड़ा नीचे नहीं उतर जाता। तुमने शायद इस तिरंगे झंडे को गज भर का कपड़ा समझ रखा है डॉक्टर डैंग। लाखों शहीदों के खून से बना है ये, करोड़ों हिंदुस्तानियों का मस्तक है ये। छूने की कोशिश करोगे तो जलाकर राख कर दिए जाओगे। राख? राख तो मैंने दिखाई है तुम्हें राणा, उस शमशान घाट पर। राख तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे कैदियों की, तुम्हारे अफसरों की। इतनी जल्दी भूल गए वो नजारा, वो चिता, वो राख? डॉक्टर टैंग, वो राख जिसका तुम जिक्र कर रहे हो वो राख इस वक्त तक बारूद बन चुकी है। बारूद यानी तुम्हारे वो तीन कैदी जो तुम मुझे खत्म करने के लिए लाए हो, वो तीन बंदर तो इस वक्त मेरे ही कैंप की तरफ जा रहे हैं राणा, मेरे ही बारूद में जलने के लिए। यानी वो रावण की लंका तक पहुंच गए? जी हाँ, और साथ में सीता माता को भी ले जा रहे हैं उस लंका में। देखना चाहते हो कौन सी सीता माता को? दिखाओ भी इन्हें सीता माता। भाई मारना नहीं उस स्टफिट, 25 बार कह चुका हूं कि जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा रोने के लिए, अपने हर बच्चे हर कैदी की लाश जलाने के लिए, तिल तिल मरने के लिए। इसे थप्पड़ की गूंज गूंज याद दिलानी है मुझे, थप्पड़ की गूंज हर बार हर मुलाकात में, और हमारी मुलाकात होगी, कई बार होगी।